मैन द मिथ द मॉन्स्टर गॉडलाइक टर्नओवर के लिए वैनम को भी धाराशाही किया गया। क्या मेरी स्पोर्ट्स की उम्मीद थी बट वो भी धाराशाही, लेकिन दूसरा 8 बिट और WSB की फाइट जहां पर चीज आ रही है यहां पर टीम यहां पर टीम 8 बिट के द्वारा, बट दूसरी तरफ गॉडलाइक जोनाथन क्या उन्होंने WSB का वहां पर थर्ड पार्टी करा? जी हां, एक फ्रैग स्टेल कर, लेकिन ये फाइट अभी भी समाप्त नहीं हुई है। गॉडलाइक वर्सेस टीम 8 बिट, ये फाइट का आगाज अब होता हुआ। ट्रायआउट अभी के लिए नॉक देखने को मिलेंगे, जोनाथन उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि उनको रिवाइव कर सके। एक टीम जो थोड़ी सी देर के लिए हम लोग को अभी के लिए सेकंड पेज में देखने को मिलेगी, देखना यह है कि इन दोनों टीम्स के बीच में किस तरीके से भिड़न होगी। बट चलते हैं यहाँ पर 8 बिट की तरफ, देखना चाहूंगा किस तरीके से 8 बिट अपना यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज करती है, किस तरीके से वो इस कंपाउंड में सेफली रह पाती है कि नहीं। आदित्य आगे बढ़ेंगे, वो ग्रेनेड से वो नॉक निकालना चाहते हैं, बट देखना यह है कि किस तरीके से नॉक निकाल पाते हैं कि नहीं। जोनाथन के हाथ में DBS गन रहेगी, वो कुछ शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, बट यहाँ पे गोलू डॉन को डाउन कर दिया जाएगा। मर्सी भी मॉलीज के कारण डाउन हो जाएंगे। देखना ये है कि 8 बिट के जो एक आखिरी प्लेयर बचते हैं उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा जोनाथन के द्वारा, एंड एक ही झटके में टीम 8 बिट यहां से एलिमिनेट होके जाएगी। बट देखिए कहीं ना कहीं शायद बच सकते थे, बट निंजा बॉय कंफर्मेशन निकालेंगे। अभी भी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की उम्मीदें में जरूर बंधी हुई, लेकिन टीम गॉड लाइक वर्सेस आइकन सोल रॉनी आए जरूर थे बट उनको भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये फ्रैग काउंट मुझे लग रहा है किसी और टीम ने, नहीं उनके पास ही गया, मुझे लगा शायद किसी और ने चुरा लिया यहाँ पर, बट जी नहीं, जोनाथन के नाम वो जाता नजर आएगा। एक और फ्रैग इनके नाम TWM गेमिंग, बहुत ही करीबी भी सिटी में आई जरूर है, लेकिन सब चीजों के लिए मेरे ख्याल से तैयार है यहाँ पर गॉड लाइक। देखिए टीम कुछ रैंडम स्प्रे भी करने की कोशिश जोनाथन के द्वारा रहने वाली है, स्मोक से बेशक यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जरूर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये कनेक्शन बनेगा जरूर, संपर्क बनाएगा, बट ना केवल जोनाथन से बैठी रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स भी इस फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले रही है, कहीं कि वो थर्ड पार्टी का योगदान भी मिल रहा है यहां पर गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स को। लेकिन ट्रायआउट इस बीच मैक का वो नॉकआउट, और क्योंकि हील बैटल का आगाज वहां पर हो चुका है, बट मुझे लग रहा है कि हील बैटल से भी ज्यादा उनको फायदा मिलेगा नहीं। बट इसी बीच हाइड्रा को भी एक एक करके धराशायी करने की कोशिश यहां पर टीम गॉड लाइक के द्वारा, मतलब एक ही समय पर मल्टीपल टीम के साथ फाइट का एक योगदान। लेकिन यहां पर रेवेनेंट प्लेस कोशिश कर जरूर थे, बट प्लेनिंग 11 फ्रैक्स बहुत ही शानदार ये परफॉर्मेंस अभी के लिए, बट ध्यान रखिए रेकनिंग एक खिलाड़ी आप पे भारी कभी भी पड़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए पंख ओपन एरिया में थे, उनको डाउन कर दिया जाएगा, बट इमोर्टल के द्वारा